मां वालों भी आला खानदान दे नाल ताल्लुक रखने वाले ने। हसनी हुसैनी सैयद ने नानके भी आला दादके भी आला और खुद आपने जेड़ा मकाम रब दी बारगाह दे अंदर हासिल फरमाया है सब वलियां दे सरदार दोस्ताने गिरामी आपका जाती नाम मुबारक अब्दुल कादिर और आप दे वालदे गिरामी दा नाम नामी इसमें गिरामी शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त वालदा माईदा आप दी अम्मा जान मोहतरमा दा नाम नामी इसमें गिरामी जनाबे सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रहमतुल्लाह ताला अलैहा दोस्तान गिरामी और आप दे नाना जान मोहतरम जनाबे सैयदना अब्दुल्लाह सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हो दोस्तान गिरामी कायनात दे अंदर जग दे अंदर हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप दी वलायत दे जो डंके वज रहे ने ओ एवें नहीं रब ने आप नू ओ मकाम अता फरमाया है कि आप तो बाद ओ किसे नो मकाम नहीं मिलिया सब वलियां दे सरदार ने और अपने नाना जी मोहतरम सैयद उलंबिया अलैहि सलातु वसलाम दे कदमा ते सन यानी जो शाना इमाम उलंबिया नु रब ने अता फरमाइया ने ओही सिफतां रब ने हुजूर गौसे पाक नु अता फरमाइया ने। दोस्तां ने गिरामी आप दा जिक्र खैर करन तो पहले आप दे वालदे गिरामी दी शान तकवा परहेजगारी उन्हां दा जिक्र खैर करके ते फिर आप दी जात वल आप दे कमालात आप दे करामात और आप दी जात कितनी आला और अरफा है बाद चावांगा आप दे वालदे ग्रामी दा जिक्र खैर करांगे आप दी अम्मा जान मोहतरमा दा जिक्र खैर भी आ जाएगा फिर पता चलेगा कि आप दे वालदे ग्रामी दा इतना मकाम है रब दी बारगाह दे अंदर अम्मा जान मोहतरमा दा इतना मकाम है रब दी बारगाह दे अंदर ओ वक्त दे वली सन ओ वक्त दिया वलिया सन ते फिर जेड़ा रब ने पुत्र अता फरमाया है ओ हुजूर गौसे पाक वर्गे ही आंदे। अजीजाने गिरामी अपने अपने दौर दे अंदर अपने अपने जमाने दे अंदर वक्त दे बड़े बड़े वड्डे औलियाए कराम सूफियाए कराम हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो
आप दी बारगाह दे अंदर फैज लैण वास्ते उन्होंने भी फरियादा कीतिया ने। हजरत सुल्तान ने बाहु बन गए, उन्होंने फरियादा कीतिया हजूर गौसे पाक की बारगाह के अंदर। आरफी खड़ी वर्गे मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला ने आप वर्गिया ने हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप की बारगाह के अंदर फरियादा कीतिया ने। दोस्तान गिरामी इतों अंदाजा हुंदा है कि कितनी वड्डी बारगाह है जिन्ना दी बारगाह दे अंदर इतने इतने पाए दे वली रब दे प्यारे वली जेड़े ने ओ फरियादा कर दे गए ने। ते कितनी वड्डी बारगाह होएगी हुजूर गौसे पाक दी। अजीजाने गिरामी मियां साहब फरमान दे ने आल औलाद अजीजाने गिरामी हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दी बारगाह दे अंदर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला ले आरफे खड़ी रोमे कश्मीर भी फरियादा कर दे गए ने। अंदाजा करना कितनी वड्डी बारगाह है हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दी जिन्ना दी बारगाह दे अंदर आरफे घड़ी वर्गे जनाबे सैयदना पीर बाहु वर्गे हजरत सुल्तान बाहु वर्गे रब दे प्यारे फरियादा कर दे गए ने। अजीजा ने गिरामी कौन हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप दे वालदे गिरामी दी गल करना चाहना वा। शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त हुज़ूर गौसे पाक दे वालदे गिरामी दा नाम है हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह। दरिया के किनारे से जा रहे ने, चलदिया चलदिया वेख्या दरिया के पानी के अंदर एक सेब रुड़दा होया आ रहा है। बुलंदा आवाज़ ना कहो सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला नो आप दे वालदे गिरामी ने वेख्या वाक्या बड़ा मशहूर है। आप दे वालदे गिरामी दे नाल मनसूब है वाक्या बड़ा मशहूर है जमाना वाक्या वे। हुज़ूर गौसे पाक दे वालदे गिरामी आप दे अब्बा जान मोहतर दरिया के किनारे ते चलते हुए आ रहे ने। भुख दा आलम है, भुख लगी हुई है, दरिया के अंदर सेब रुड़दा होया आ रहा वे। सेब चुकिया वे खाना शुरू कर दिता ने। जिस वेले सेब खाद्या ने दिल के अंदर ख्याल आया ऐ मूसा ए सेब जड़ा वे ओदे मालक दी इजाजत तो बगैर खा लिया भी रब दी बारगाह दे अंदर एदा हिसाब देना पेगा फिर की बनेगा। रब दी बारगाह दे अंदर जवाब देना पेगा एदा जवाब देना पेगा एदा हिसाब देना पेगा फिर की बनेगा। क्यामत वाले दिन रब दी बारगाह दे अंदर सामना करना पैना वे। अजीजा ने गिरामी जिधरों पानी आ रहा वे दरिया के
चलना शुरू कर दिता ने हजूर गौसे पाक दे वालदे ग्रामी उधर चलदे चढ़दे पासे चलना शुरू कर दिता। चलद्या चलद्या जिस वेले वेख्या करीब एक बाग आया वे फलां दा बाग आया बाग दे अंदर चले गए ने वेख्या वे एक सेबा दा बूटा जिदिया शाखा दरिया दे पानी दे उत्ते झुकियां होईयां ने ख्याल आया हो सकदा वे ए सेब होर किधरों नहीं इस बूटे दे उत्ते सेब डिग्गिया वे पानी दे अंदर रुड़दा होया आ रहा सी जेड़ा मेरे हाथ लग गया वे बाग दे अंदर चले गए ने अजीजा ने गिरामी हुजूर गौसे पाक दे वालदे गिरामी बाग दे अंदर गए ने जिस वेले बाग दे अंदर गए ने ख्याल आया बाग दे मालक नू मिलिए ताकि ओदे कोलों माफी ले लईए इत्थे माफी ले लवांगे रब दी बारगाह दे अंदर हिसाबो किताब तो बच जावांगे। जिस वेले मालक नू मिले ने मालक दा नाम की हजरत अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह तआला नो उच्च आवाज में कहो सुभान अल्लाह बाग दा मालक है हजरत अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह तआला नो बाग दे मालक ने आप दी बारगाह दे अंदर हजूर गौसे पाक दे वालदे गिरामी चले गए ने हाथ जोड़ के अर्ज करदे ने हजूर तुहाडे बाग दा सेब रुड़दे होया आया सी मैं खा बैठा वा हजूर माफी चाहना वा इदी माफी मिलेगी के नहीं। अजीजा ने गिरामी हजरत अब्दुल्ला सोमी रजी अल्लाह ताला नो जेड़े बाग दे मालक ने आपने जिस वेले ओ भी ते रब दे कामिल वली ने अपनी निगाहे वलैत उठा के वेख्या वे ए जेड़ा नौजवान है ये कोई आम नौजवान नहीं रब दा प्यारा वे रब दा वली नौजवान है जड़ा एक सेब बख्शान दी खातर मेरी बारगाह दे अंदर आ गया वे। अजीजा ने गिरामी जिस वेले इतनी गल हुई है कहन लगा वे मौका बढ़ावे वक्त बढ़ावे अजीजा ने गिरामी हजूर गौसे पाक दे वालदे गिरामी दी बारगाह दे अंदर हजरत अब्दुल्ला सोमी रजी अल्लाह तआला नो आ फरमांदे ने ए नौजवान सेब नु माफ ता करांगा मेरे बाग दी तकरीबन 10 साल या 12 साल दा अरसा मेरे बाग दी रखवाली करनी पैगी इंदी गोडी करनी पैगी इंदी देखभाल करनी पैगी। अजीजा ने गिरामी फिर सोचांगे तैनू सेब दी माफी देनी है कि नहीं। जनाबे हजरत मूसा जंगी दोस्त हजूर गौसे पाक दे वालदे गिरामी अर्ज करदे ने बाबा जाल मैनू शर्त तुहाडी कबूल है अगर 12 साल दा अरसा तुहाडे बाग दी रखवाली करांगा फिर सेब दी माफी मिलेगी कि नहीं। फरमाया बेटा पहले साडे बाग दी रखवाली करेगा फिर सोचांगे तैनू माफी देनी है कि नहीं। अजीजा ने गिरामी एक दो चार महीने दी गल नहीं पूरे 10 या 12 साल दा अरसा हुजूर गौसे पाक दे वालदे गिरामी ने उस बाग दी गोडी कीती है दिन भी खिदमत कर रहे ने रात नु भी खिदमत कर गए ने 12 साल दा अरसा बाग दी गोडी कीती है एक सेब दी मुआफी दी खातर। अजीजा ने गिरामी जिस वेले 12 साल दा अरसा पूरा होया वे आ के अर्ज करदे ने हुजूर 12 साल पूरे हो गए ने या 10 साल पूरे हो गए ने हुजूर हुण सेब दी माफी मिलेगी के नहीं। हजरत अब्दुल्ला सोमी रजी अल्लाह तआला नो आ फरमांदे ने ऐ नौजवाना तैनू सेब दी माफी इस शर्त ते मिलेगी मेरी एक आखरी शर्त है ओनू कबूल करेगा ता तैनू सेब दी माफी मिल जाएगी। अजीजा ने गिरामी हाथ जोड़ के अर्ज करदे ने हुजूर ओ शर्त केड़ी है मैं हर शर्त मनन वास्ते तैयार हाँ। अजीजा ने गिरामी हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह ताला ले आ फरमांदे ने ऐ मूसा मेरे घर दे अंदर एक मेरी बेटी है जड़ी अखां तो नाबीनी है पैरां तो माजूर है पैरां नाल चल नहीं सकती है हथां तो भी माजूर है ना अखां नाल वेख सकती है ना पैरां नाल चल सकती है ना हाथ नाल कोई काम काज कर सकती है ना हाथ नाल पकड़ सकती है पैरां तो भी माजूर है अखां तो माजूर है हथां तो भी माजूर है जुबान तो भी माजूर है बोल नहीं सकती है
मजूर बेटी है मेरी, ओदे नाल तैनू निकाह करना पएगा। अगर शर्त कबूल है ते फिर माफी मिल जाएगी, अगर शर्त कबूल ना करेगा फिर सेब दी माफी नहीं मिलनी। हजरत हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे वालदे ग्रामी ने जिस वेले सोचिया, सोचो विचार करन तो बाद दिल दे अंदर ख्याल आया, ऐ मूसा इत्थे शर्त कबूल कर लवेगा ते चंगा रह जाएगा, सेब दी माफी ना मिली, क्यामत वाले दिन रब दा सामना किवें करेगा, रब नू इस सेब दा हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। दोस्ताने ग्रामी जिस वेले इतनी गल हुई है, हुजूर गौसे पाक दे वालदे ग्रामी रजी अल्लाह तआला अन्हु आप अर्ज कर देने, बाबा जाल मैनू एही शर्त कबूल है, मैं तुहाडी ना मासूर बेटी दे नाल निकाह करन वास्ते तैयार हां। उच्ची बोल ना बोलो यार सुभान अल्लाह, मैं तुहाडी मासूर बेटी दे नाल निकाह करन वास्ते कबूल मैं तैयार हां, मैनू ये भी शर्त मंजूर है, हुजूर मैनू सेब की माफी मिल जाएगी। फरमाया सेब की माफी मिल जाएगी। अजीजाने ग्रामी जिस वेले अपनी बेटी दे नाल हुजूर गौसे पाक दे वालदे ग्रामी का निकाह फरमा दिता, दुल्हन दे कमरे के अंदर जिस वेले जान लगे ने, दरवाजा खोलिया वे हुसरो जमाल दी पैकर, हूरां दी सिफतां रखण वाली, अखां भी सलामत ने, हाथ भी सलामत ने, पैर भी सलामत ने, जुबान भी सलामत है, वेख भी सकती है, जुबान नाल बोल भी सकती है, पैरां नाल चल भी सकती है, हत्थां नाल काम काज भी कर सकती है, पकड़ भी सकती है, हाथ भी सलामत ने। अजीजाने ग्रामी जिस वेले हुजूर गौसे पाक दे वालदे ग्रामी ने वेख्या वे, फौरन दरवाजा बंद कीता ने, वापस दौड़ के आए ने, अर्ज करदे ने, बाबा जान मैं ते किधरे गलत कमरे के अंदर किसी होर कमरे के अंदर चला गया सा, जिवें दा तुसां दस्या वे ओवें दियां अलामतां ओवें दियां निशानियां नहीं उस बीबी के अंदर पाईआं जांदियां ने। हजरत अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाह ताला ले आ फरमांदे ने, ऐ नौजवाना तू मेरी गल समझाई कोई नहीं है, बोलो ते सही यार सुभान अल्लाह, फरमाया बेटा तू मेरी गल समझाई नहीं है, मेरे कहन दा मतलब ए वे मेरी बेटी जड़ी अखां तो ना पीनी है, मतलब ए सी मेरे कहन दा मतलब ए सी उन्हें इन्हां अखां दे नाल जदों दी मेरे घर दे अंदर आईए, मेरे घर दे अंदर पैदा होईए, जदों दी पैदा होईए अज दे दिन तक इन्हां अखां दे नाल मेरी बेटी ने किसे गैर मर्द नूं इन्हां अखां नाल वेख्या ही कोई नहीं है, किसे गैर नूं इन्हां अखां दे नाल वेख्या कोई नहीं, पैरां दे नाल चल नहीं सकदी माजूर है पैरां तो, इहदा मतलब ए सी जदों दी मेरी बेटी पैदा होई है अज दे दिन तक मेरे घर दी दलील तो बारे ने कदम नहीं रख्या वे, हत्थां तो माजूर दा मतलब ए सी खिलाफ शरा किसे काम नूं इहने अज तक हाथ नहीं लाया वे, जुबान तो गूंगी है इहदा मतलब ए मेरी बेटी ने इस जुबान दे नाल जदों दी पैदा होई है अज दे दिन तक किसे गैर मारम दे नाल गल भी नहीं कीती है। उचिवा ना कह छो सुभान अल्लाह। अजीजाने ग्रामी जिस वेले इतनी गल होई है, हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे अब्बा जान मोहतरम दा निकाह हो गया वे, अजीजाने ग्रामी बुजुर्ग फरमांदे ने बाप इतना मुत्तकी परहेजगार है, इतना रब दा खौफ रखण वाला वे, एक सेब की खातर 12 साल दा अरसा बाग की गोडी करदिया गुजार दिता ने, ते रब दी करनी है, रब ने इनाम अता फरमाया, वरना मजूर दे नाल निकाह करने वास्ते शर्त भी कबूल फरमा लईए, बाप इतना परहेजगार होवे रब दा खौफ रखण वाला होवे, और मां इतनी मुत्तकी ते परहेजगार होवे, इतनियां अजमतां ते शाना वाली होवे, इतने हया वाली होवे, जदों दी पैदा होवे बालग होण तक निकाह होण तक ना अखां दे नाल किसे गैर नूं वे
रख्या होवे ना बाप दी दलील तो कदम बाहर रख्या होवे ना जुबान दे नाल किसे खैर दे नाल गल कीती होवे ना हथां दे नाल खिलाफ शरा कोई कम कीता होवे मां इतनी पाक ना बनावे बाप इतना पाक होवे ते फिर जेड़ा लाल पैदा होंदा वे गौसे पाक वरगे ते दाता अली उजवेरी वरगे पैदा होंदे समझ आ रही गल उच्ची वाना कहो दोस्तां ने करा मां इतनी जो पाक होवे है ते बाप इतना पाक होवे ते पुत्र गौसे पाक ना आवे ते और की होवे अजीजा ने करा दोस्तों ने ग्रामी जिस वेले ए बाप की गल हुण मां की शान दे अंदर एक गल सुनाना चाहना वा फिर अंदाजा करना हुजूर गौसे पाक खाली आप शान वाले नहीं बाप भी आला ने मां भी आला है मां बाप आला ने पुत्र हुजूर गौसे पाक वर्गे आंदे ने अजीजा ने ग्रामी हजरत फातिमा उम्मुल खैर उस गौसे पाक रजी अल्लाह ताला नो आपकी अम्मा जान मोहतरमा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रजी अल्लाह ताला ना अजीजा ने ग्रामी जिस वेले हुजूर गौसे पाक पैदा होए ने बचपन का जमाना वे मां की करामत दसना चाहना वा बचपन का जमाना वे हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला नो आप नु जिस वेले हाफिज़ साहब दे कोल कुरान पाक की तालीम की खातर जिस वेले दाखिल करवाण वास्ते लै गए ने उस्ताद मोहतरम ने पढ़ाया है बेटा अब्दुल कादर पढ़ बिस्मिल्लाह इर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استاد نے جس ویلے پڑھایا وے حضور غوث پاک بچپن دا زمانہ وے معصوم بچے نے تقریباً 10 سپارے زبانی پڑھ کے سنا دیتے نے استاد کہنے لگا بیٹا عبدالقادر تو مینو پڑھن واسطے آیا وے یا پڑھان واسطے آیا ہے اب بولتے سی یار سبحان اللہ اے بیٹا عبدالقادر مینو پڑھان واسطے آیا وے یا میرے کول پڑھن واسطے آیا وے عزیزاں نے گرامی حضور غوث پاک نے 10 پارے جس ویلے زبانی سنا دیتے نے کسے مدرسے دے اندر نہیں پڑھے کسی مسجد دے اندر نہیں پڑھے کسے عالم دے کول کسے مفتی قاری حافظ قرآن دے کول نہیں پڑھے نے 10 پارے زبانی کیویں یاد کیتے نے استاد نے جس ویلے پوچھیا وے اے بیٹا عبدالقادر اے 10 پارے کیویں یاد کر لے نے عرض کردے نے اے استاد جی میں جس ویلے اپنی ماں دے پیٹ دے اندر سا میری ماں جس ویلے مینوں پیڑ میں پیٹ دے اندر سا میری ماں گھر تے کم کاج کردی سی رب دا قرآن پڑھدی سی جھاڑو دیندی سی رب دا قرآن پڑھدی سی برتن جس ویلے دھوندی اے رب دا قرآن پڑھدی اے عزیزاں گرامی مصلے تے بیٹھی نماز پڑھدی رب دا قرآن پڑھدی اے چار پائی تے بیٹھی اے رب دا قرآن پڑھدی اے سویر نوں اٹھدی اے رب دا قرآن پڑھدی اے دوپہر دا وقت ہووے شام دا وقت ہووے ادھی رات دا وقت ہووے راتاں نوں وی او کھٹ کے رب نوں یاد کردی اے رب دا قرآن پڑھدی اے استاد جی میرے ماں نے 10 سپارے زبانی یاد کیتے ہوئے سن میں ماں دے پیٹ دے اندر سن سن کے 10 سپارے زبانی یاد کر لینے عرض کیتی حضور میں 10 سپارے کیویں یاد کیتے ماں دے پیٹ دے اندر ماں قرآن پڑھن والی سی نا تے بیٹا حضور غوث پاک جڑے مادر ذات پدیشی ولی سن ایک ولی ہوندا جڑا پدیشی ہی ولی ہو ایک ہوندا جڑا جتے واسطے کوئی والدین دعا کر دین انہاں دی قبول ہو جاوے تے رب مقام عطا فرما دے
और किसी नो मुर्शिद कामिल मिल जावे ओ नजरे करम फरमा देवे तां भी बड़ा पार। दोस्ताने गिरामी, लेकिन हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु ओना खुश नसीबा दे अंदर सन, बल्कि इंज आख ओना खुश नसीबा दे सरदार सन, वलिया दे सरदार ने जेड़े मादरजाद वली ने पैदा ही वली होए ने, मां दे पेट दे अंदर दस सिपारे मां तू पढ़दी सी ते मां पढ़ती सी पेट के अंदर सुन सुन के दस पारे जुबानी याद कर ले। दोस्तों ने गिरामी ता करके बुजुर्ग फरमाते ने फरमाया मां जे होवे कुरान पढ़ने वाली पेट के अंदर बच्चा होवे मां कुरान पढ़ने वाली होवे ते बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होंदे, जे पेट के अंदर औलाद होवे हमल पेट के अंदर होवे मां चौबी घंटे एलसीडी देख बोलता सही मां कुरान पढ़ने वाली होवे ते बेटा जेड़ा पैदा होंदा है ना बाहर आके कुरान ही पढ़ना और की पढ़े, बोलते सही। जे मां जे पेट के अंदर बच्चा होवे भी घंटे एलसीडी ते जनाब नाच गाने फिल्मा ड्रामे चौबी घंटे वेखे ड्रामे तो बगैर ओदा वक्त ही ना गुजरता होवे पुत्र जिहड़ा पैदा होना है रब दा वली होना है नमाजी होना है कुरान पढ़ने वाला होना है मां बाप दा बाअदब होना है खिदमत गुजार होना है मां बेहया होएगी ना ते पुत्र आपे बेहया होएगा मां नाच गाने फिल्मा ड्रामे वेखण वाली होएगी ते पुत्र ने बाहर आके फिर टिशू टिशू ही करना और की करना, बोलते सही बोल एक बार उच्चारण सुभान अल्लाह। दोस्ताने गिरामी सच फरमा गए ने अर्फे गड़ी तुम मेरी वल कौड़ी होंदी असर हुंदा विच पिया जनाब नेट का दौर है घर घर से टच मोबाइल फिल्मा ड्रामे जनाब टिकटॉक की लानता फिर वली कितों पैदा हो बोलते सही वली तो पैदा होते ना कुरान पढ़ने कुरान वाले दे नाल वली पैदा होंदे ने कंजर खाने दे नाल वली नहीं आंदे होंदे, बोलो जीवन सुभान अल्लाह। दोस्तों ने गिरामी कौन हुजूर सैयदना गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले पैदा होए अंदाजा करना आप दा बचपन भी आला है जवानी भी आला वालदे ग्रामी भी आला वालदैन भी आला बाप भी आला मां भी आला आपदे नानके भी आला दादके भी आला खुद भी आला बचपन आला जवानी आला लड़कपन आला आपकी जात सरापा कमाल रब ने बनाया वे और जिधर निगाह करते ने जमाने की काया पलट दे। दोस्तान ग्रामी वलियां दे सरदार हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दी बारगाह दे अंदर पीर बाहू ने भी फरियाद कीती है, पढ़िए बोलो तो सही। पीर बाहू फरमांदे ने सीन सुन फरियाद पीरा Oh।
करके वो पीर जिना दे सोना मीरा बाहो तापले लग दे तार के حضور غوث پاک جس وقت پیدا ہوئے نا توجہ رکھنا پیدا ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دا زمانہ ہے مدینے پاک کافر اممہ جان محترمہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے نے اممہ جان اگر اجازت دے وہ تے کافلہ حضور دے روزہ پاک تے جا رہے ہیں حضور دے روزہ پاک تے کافلہ جا رہے ہیں اممہ اگر اجازت دے وہ تے میرا دل کردہ حضور دے روزہ تے حاضری دے بول یار سبحان اللہ عرض کر دینے اممہ جان اگر اجازت دے وہ حضور دے روزہ پاک تے کافلہ جا رہے ہیں میرا بھی دل کردہ حاضری دے آمان عزیزان گرامی اممہ جان محترمہ آپ فرما جن بیٹا عبدالقادر اے بیٹا عبدالقادر اجازت ضرور دے دیواں لیکن اجے تو چھوٹا میں اگر اجے بچہ میں ماں ہو کے تینو اجازت نہیں دے سکنیا عزیزان گرامی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے اممہ جان اگر اجازت دے وہ کافلے دے نال نہیں کہ پھر میں نو اتنی اجازت ضرور دے دے وہ میں مکان دی اپنے کوٹھے دی چھت دے جا کے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر کافلہ جاندہ ہویا مدینے جان والے کافلے دی زیارت کر لواں گا کوٹھے دے چھت دے جان دی اجازت دے دے وہ عزیزان گرامی اممہ جان نے اجازت دی دیئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دا زمانہ وے اجے بچے نے مکان دی چھت دے گئے نے جس ویلے چھت دے پہنچے نے مدینے پاک جان والا کافلہ ویندے نے پہ کافلے دی گرد و غبار اٹھدی پئی رامہ وال ویندے نے پہ اچانک آپ دے دل دے اندر پتہ نہیں کیڑا خیال آیا وے رب العالمین نے فرمایا اے میرے ملائکہ عبدالقادر دے سارے پردے حجابات ہٹا دے وہ حضور غوث پاک اپنے مکان دی چھتے کھڑے نے سارے حجابات سارے پردے سامنے تو ختم ہو گئے نے کی ویکھ دے نے سجے پاسے خانہ کعبہ وے بیت اللہ شریف ہے کھبے پاسے حبیب اللہ دا روزہ پاک ہے سجے پاسے بیت اللہ شریف ہے خبے پاسے امام الانبیاء دا روزہ پاک ہے عزیزان گرامی مادر ذات جو ولی سن پیدا ہی ولی ہوئے نے بچپن دے اندر رب العالمین نے او شانہ عطا فرما دیتیا نے پھر آپ دی بارگاہ دے اندر ایک دن عرض کیتی گئی حضور دسو تہانوں کیویں پتا چلیا تسی رب دے پیارے ہو رب دے ولی ہو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے فرمایا لوگو میں نو اس دن کامل یقین ہو گیا سی فرمایا ایک دن میں جس بیلے بچپن دے زمانے دے اندر علم دین حاصل کرنوازے مدرسے دے اندر جاندہ سا میرے اگے بھی فرشتے اندے سا پچھے بھی فرشتے دائیں پاسے بھی فرشتے اندے سا بائیں پاسے بھی سجے بھی رب دے فرشتے نے پھٹے بھی فرشتے نے میرے چاروں طرف رب دے فرشتے چل دے نے میں جس بیلے علم دین حاصل کرنوازے مدرسے دے اندر قدم رکھنا ماں رب دے فرشتے میرے تو پہلے جا کے طالب علمانو کہن دے نے اے بچیو اے طالب علمو فرمایا جگہ خالی کر دے وہ رب دا پیارا عبدالقادر آ رہا ہے جگہ خالی کر دے وہ رب دا پیارا ولی عبدالقادر جیلانی آ رہا ہے بول دے سیار اچھی بادنا سبحان اللہ عزیزان گرامی وقت تھوڑا وے آخری گل کرنا چاہنا ماں بچپن دا زمانہ وے جس ویلے اپنی اممہ جان محترمہ دی بارگاہ دیا
अंदर अर्ज करते हैं, है अम्मा जान मैनू इजाजत देवो, मैं बगदाद शरीफ के अंदर इल्मे दीन हासिल करने वास्ते जाना वा। बगदाद काफिले नाल आवे, काफिले वाले दे नाल मैं इल्मे दीन हासिल करने वास्ते चला जाना वा। अम्मा जान ने जिस वेले इजाजत दी है फरमा दिया ने बेटा चला जरूर जामी, लेकिन खर्चा ले ले 40 दिनार आपकी कोतड़ी के अंदर सिलाई कर दिते ने, सी परो दिते ने, काफले दे नाल चले गए ने। रस्ते के अंदर एक जगह से काफले ने परो कीता वे, हुजूर गौसे पाक भी मौजूद ने, करीब एक डाकुआं दा ग्रोह वे, डाकू ने कोल हथियार ने, जिस वेले काफले वाले की हमला कर दिता, उन्होंने चोरी के इरादे दे नाल काफले ते हमला किया वे, वारो वारी सारे काफले वाले नूं लुट लिया ने। हुजूर गौसे पाक दी बारगाह दे अंदर दो बंदे आए ने, आ के अर्ज करते ने, ऐ बेटा अब्दुल कादर ये दस तेरे कोल की है? आ फरमांदे ने जो मेरे कोल है वे ओ मेरे कोल ही है वे, जो मेरे कोल है वे ओ मेरे कोल है वे। कहन लगे बेटा तेरे कोल की है? आ फरमांदे ने मेरे कोल 40 दिनार। झूठ नहीं बोलिया, बोल ते सही यार सुभान अल्लाह। फरमांदे ने 40 दिनार मेरे कोल ने, असी जाने ग्रामी उन्हें वेख्या वे ये ते बच्चा वे, बच्चे की गल नजरअंदाज किया चले गए ने। डाकुआं दा सरदार जिहड़ा वे उन्हां दे कोल जाके सारे काफले का सारा मंदिर बयान किया ने, सारे काफले नूं लुट लिया वे। एक बच्चा वे जिहदा नाम है अब्दुल कादर जिलानी है, वो कहिंदा मेरे कोल 40 दिनार। बच्चा समझ के छड आए आ, चोरां दा सरदार नाल चोरां दे मिल के अगे वध गया आ वे। कहन लगा बेटा अब्दुल कादर ये दस 40 दिनार है ने ते किथे ने? आपने जिस जगह ते मां ने गोदड़ी दे अंदर सी दिते सन इशारा किया। फरमान लगे ऐ मेरी अम्मा जान मोहतरमा ने मेरी गोदड़ी दे अंदर 40 दिनार सी दिते ने। असी जाने ग्रामी जिस वेले खोलिया ने, सराइया खोलिया ने, 40 दिनार जिस वेले कटे ने, चोरां दा सरदार कहन लगा वे ना की है? चोरों का सरदार है शेख अहमद पदवी रहमतुल्लाह ताला ने, जरा बाद के अंदर हजूर गौसे पाक का गुलाम बन गया सी। बोल यार सुभान अल्लाह। अजी जाने ग्रामी कह लगे अब्दुल कादर बेटा तू झूठ बोलदा बच सकदा से, सानू झूठ क्यों नहीं बोलिया? कहन लगे मैं अपनी अम्मा जान मोहतरमा के नाल जिस वेले घरों चलिया सा, मैं अपनी मां के नाल एक वादा करके निकला सा। मेरी मां ने आख्या ऐ बेटा अब्दुल कादर अपनी जान का देर दे भी लेकर जिंदगी के अंदर किसे मोड़ से झूठ ना बोली, किसे मोड़ से झूठ नहीं बोलना वे, मैं अपनी मां नाल वादा करके आया वा। चोरां दा सरदार कदमी टिक गया वे, अर्ज करदा है अब्दुल कादर बेटा है तू बच्चा वे लेकिन गल्लां बड़ियां वड्डियां करना है, बच्चा से लेकिन गल्लां बड़ियां वड्डियां वड्डियां पे करना वे। ऐ बेटा अब्दुल कादर जिलानी मैनू अपना गुलाम बना, नाले अपना मुरीद बना ले, अपना गुलाम बना। अजी जाने गिरामी बचा की है? कहन लगा वे तू ते बच्चा वे अजे मासूम है, तेरे गुनाह नहीं लिखे जाते, ना पा लगे अपनी मां दे नाल वादा किया होया तोड़दा नहीं पिया वे। मेरा बचपन गुजर गया वे, लड़कपन गुजर गया वे, हुण जवानी भी गुजर गई है, इतना मेरा कट काट हो गया वे। सारी जिंदगी मैं अपने रब दे नाल वादे किते होए दी खिलाफ वर्जी करदा रहा वा। मेरे रब ने फरमाया जिंदगी दे अंदर झूठ नहीं बोलना, रब ने झूठ बोलन तो मना फरमाया वे। मैं वादा खिलाफी कीती है, चोरी करन तो उन्हें मना फरमाया वे। मैं वादा खिलाफी कीती है, हक मारन तो उन्हें मना फरमाया वे। मैं वादा खिलाफी कीती है, तू बच्चा हो के अपनी मां का वादा निभा रहा वे। मैं इतना जवान हो के हमेशा अपने रब की वादा खिलाफी करता रहा वा। अजी जाने ग्रामी कलमा पढ़िया ने, नाले गुलाम बने ने, नाले हुजूर गौसे पाक दे पहले मुरीद बन गए ने। बचपन के जमाने के अंदर तकदीर
ਕੀਤੀ ਏ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਿਗਾਹ ਵਲੀ ਮੇਂ ਇਹ ਤਹਸੀਰ ਦੇਖੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ ਲੈਣਾ ਨਿਗਾਹ ਵਲੀ ਮੇਂ ਇਹ ਤਹਸੀਰ ਦੇਖੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ अंदाजा करना यार बच्चे ने आज तेरा मेरा साडा बच्चा होवे ना बाहर निकले ओनू चुंडी वाडे ओनू होज मार ओनू छेड़ ओनू वट्टा मार नहीं वेंदा बच्चा है नहीं वेंदा जवान है नहीं वेंदा मेरे प्यो जिटा है नहीं वेंदा जिटा है नहीं बाबा है की है ना शर्म ना हया ना गैरत ना अदब तेरे मेरे बच्चे का हाल है गली च लंघ गया ओनू कुट कोई खबर ही नहीं वेख अल्लाह दे प्यारे दे की शान बोल उची वाना सुभान अल्लाह दोस्तों ने गिरामी अंदाजा करना हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो मां जो कुरान पढ़ने वाली सी ना ते बाप इतना मुत्तकी ते परहेजगार सी ते बेटा जेड़ा पैदा हुंदा है पैदा हुंदे ही दस सिपारे जुबानी याद करके आंदे ले फिर बचपन तो लैके आखरी साह तक नबी दी शरीयत के खिलाफ एक कम भी नहीं की वालदैन जो दीन वाले सन शरीयत वाले सन मां इतनी शर्मो हया नहीं पै करे ना अख ना किसे गैर नु देखिया ना कदम जदों दी पैदा होंगे ने बाप की दलील तो बाहर नहीं रखिया क्यों ए खाली बाप की तरबियत नहीं इस्लाम दा हुक्म है ओ भाई शरीयत इस्लाम दा हुक्म ये है अमल करने वाले सन मैं एक गल करना अगर जमीर इजाजत देवे तो बोलते सही साडे मुंह ते गल आई ओ भी फिर ना होवे असी फिर फकीरां दे नाल एवें तलक जोड़े है ओना फकीरां दे कदम एवें फिर असां चुमदे रहे आ गल आवे मैं कहना अगर नहीं करता तो समझ लो कि ए फिर ना इंसाफी होवेगी मिंबरे रसूल दे नाल खियानत होवेगी तवज्जो रखना मुसलमाना आज एक बड़ा शोर बरपा है जमाने दे अंदर जग दे अंदर बंदे बंदे दे हाथ दे अंदर टच मोबाइल है तवज्जो रखना गल मेरी सुटनी नहीं ते इस नूं अकलमंद बंदा गल नूं पल्ले नाल बन के लै जाएगा ते बेअकल ना साडी गल अज एक बड़ा शोर मचे मीडिया ते सोशल मीडिया ते पंजाब कॉलेज दे अंदर एक कुड़ी दे नाल जिना होया खबर है बड़ी मशहूर है तुहाडा लाहौर की समुद्री की फैसलाबाद की कराची की इस्लामाबाद की हर शहर के अंदर
चौकीदार है जेड़ा पंजाब कॉलेज का दरवाजे से ड्यूटी करने वाला गार्ड, उन्होंने जबरदस्ती जिना किया बेसमेंट के अंदर जाके। ग्यारहवीं जमात की स्टूडेंट सी। अच्छा मैं गल एवं करेंगे, पता भी है जनाब किने किने गल सुनी भला, सारे ने सुनी, हर बंदे ने पता है। मैं मेरे सामने कोई बातचीत बसामी ना बनू उच्चा ना कब दफा सुभान अल्लाह। दोस्तों ने ग्रामी यार यकीन करो जो गल्ला सुनते ना ना फिर अफसोस होंदा इस कौम से कि किस नतीजे ते पहुंच गए हैं। हुण बेटी दे नाल सरेआम जिना होवे कालेज दा जेड़ा चौकीदार ते मुहाफिज़ है फैली करे जमाने के स्टूडेंट जेड़े ने एहतजाज कर तोड़ फोड़ कर दरवाजे फट देन दीवारा ढा देन शीशे तोड़ देन और हुकूमत के अमलाक नुकसान पहुंचाण उन्हां दी हुकूमत के कान से जू न रींगे। बल्कि एक डीएसपी सी वो जदों आया ना एहतजाज ते उन्हों सवाल होया ते कहन लगा स्टूडेंट ने सवाल किया कहंदा अगर इतनी जगह तेरी बेटी हो ते फिर कहन लगा कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं। डीएसपी कहन लगा मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं। यार दस लोगों ने दिया नहीं बोल तो सही यार गल समझ आएगा। ओ भाई गल सुन एक मामला है दूसरी खबर सुन। स्कूल के अंदर पिक एंड ड्रॉप करने वाली जी वैन है उनका ड्राइवर एक उन्हें चार तो पांच साल की बच्ची गोद के अंदर बिठाई हुई है पकड़ा गया। और तेरा सरगोदा कितने खड़ा है सरगोदे के अंदर एक थानेदार है वो दसवीं जमात की तालिबे इल्म पकड़ा गया उन्हें जबरदस्ती जनाह किया। तेरे तलीमी इदारे का हाल है स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटी का हाल है। पिछले चंद दिन पहले वे बहावलपुर यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक दो सैकड़े की गल नहीं 5500 कुड़ी के नाल जिना होया है। वीडियो बन गया मंजरे आके आ गई ने। याद दस लोग तरह तरह के गल्ला करते हैं चौकीदार हूँ एक स्टूडेंट पे आके जा चौकीदार जोड़ा है ना वो भी लेडी लेडी होनी चाहिए की मतलब वो भाई बदफेली कराने वाली होवे करने वाली ना होवे। तुसी सारे भाई बदसामी जे सारे हाजी जे बोलते सही यकीन कर 5500 कुड़ी की बकायदा वीडियो बन गई मंजरे आम थी आई सारा जग जान गए पंजाब कॉलेज का वाक्य तेरे कल का है सरगोदे का वाक्य ये कल परसों का है। स्कूल वैन का ड्राइवर जेड़ा वे चार पांच साल की बच्ची के नाल पकड़ा गया ज्यादा लंबी दूर की गल नहीं है तेरे चंद दिन पहले इसे हफ्ते की गल है। दस इंज के जो वाकियात होंगे ने यकीन कर बुजुर्ग फरमाते ने खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन लेता है और खुदा जब दीन देता है अकल भी साथ देता है। दीन ना होवे ते अकल भी नहीं होती यकीन कर। कोई कहता जनाब गार्ड जा चौक तो भी लेडीज होना चाहिए कोई कहता इंज होना चाहिए कोई इंज यार दस किसे दे खोपड़ी के अंदर एक गल यकीन कर किसी एक बंदे के मुंह विचों सुन दे नाल नहीं मिलती कि किसी आख्या वे भाई बस ये तलीम साड़ी नहीं ये अंग्रेजा यहूदी ने वालों आई है लिहाजा असा अपनी इज्जत बर्बाद हुंदा नहीं वेख सकते वो अपन इज्जत अपन धियां भैन अनपढ़ के रख सकने लेकिन इज्जत बर्बाद हुंदी नहीं वेख सकते। बोलते सही किसे एक बंदे भी माई के लाल ने यह दावा किया हो जवाब दिता हो हाथ खड़ा कर। वजह की है तलीम गैरत की पा लीए ना तो खोपड़ियां इंज उल्टियां हो जाएं ने गैरत शर्मो हया मर जाता है। चाहिए यार इदारे इंज के ने
भाई जो पढ़ाया जाता है वही कल किया जाता है। मैं मिसाल देना जनाब नू गल बड़ी आसानी ना समझ आ जाएगी, तवज्जो रखना यार। दस चरवाहा जो बकरियां दा रेवन हुण भेड़िए दा काम हुंदा बकरियां नू खाणा, इवें है कि नहीं? भेड़िए दे कोल जो बकरी छड्डेगा तो उहने चीर फाड़ देनी कि नहीं? बोल दे सही, बोल उच्ची वाना यार एक दफा सुभान अल्लाह। भाई बकरी नू भेड़िए को छड्डेगा तो भेड़िए दा काम है चीर ना फाड़ना। हुण चरवाया जो आप बकरियां नू लिजा के छड्ड देवे दरिंदियां दे विच भेड़ियां दे विच ते भेड़िए बकरियां चीर फाड़ देवन, दस हुण कसूर बकरी दा है या भेड़िए दा है या छड्डण वाले दा है? बोल ते सही यार, गल समझ आई? भेड़िए दा कसूर है कि बकरी दा कसूर है कि छड्डण वाले दा है? कौम पिटदी क्यों फिर? लिजर दे आदे सिर च मारने चाहिए ने दरिंदियां भेड़िए ने तो कम हुंदा है चीरना फाड़ना। आप जो अत्ती छड्ड आओगे तो उसे रख के महफूज इज्जत आ जाए, ये किसे किताब च नहीं लिखा। इंज दे वाकिया इज्जतां बर्बाद तां हुंदियां ने, कुर्बान जाइए साडे बजुर्गां ने दीन तो तां करके बजुर्ग फरमांदे ने फरमाया बीबी होवे पाक राबिया बसरी जैसी और उस्ताद होवे पाक हसन बसरी वर्गा और फरमाया पढ़ी जान वाली किताब होवे पाक रब दा कुरान। थां जेड़ी जिस जगह ते पढ़ाया जावे ओ थां पाक होवे खाना काबा जैसी, ऐसी पाक शहीद राबिया बसरी जैसी होवे पाक उस्ताद हसन बसरी जे मौला अली दे खलीफा ने, ऐसा पाक उस्ताद होवे पाक किताब रब दा कुरान खाना काबा जैसी पाक जगह ते पाक शगिर्द बीबी नू पाक मर्द पाक जगह ते पाक कलाम रब दा नहीं पढ़ा सकता। बोल ते सही किथे बैठा है? क्यों? फरमाया राबिया बसरी बेशक रब दी वलिया है पाक बीबी है लेकिन हजरत हसन बसरी भी गैर महरम है, गैर महरम औरत गैर महरम उस्ताद को नहीं पढ़ा सकते। तू दस हुण जो रब का कुरान पाक बीबी पाक मर्द को पाक जगह से नहीं पढ़ सकती चल चल के अंग्रेजी लानता किवें पढ़ सकती? बोल तो सही। तुसां दीन सुनने आना दीन सीखे फकीर को, बोल उच्ची वाले सुभान अल्लाह। दस दस अगर इस इस्लाम से अमल किया जाए तो तैनू सोशल मीडिया तो इवें खबर मिल गई, गल समझ आई कि नहीं? यार बोल तो सही सुभान अल्लाह। भाई ये वाकियात ता ही होंगे ने, वो डीएसपी जो आंदा है भाई मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं की मतलब है भावे अंग्रेजी चूचा सी दस गया गल सही कर गया है। ओ भाई धी अपनी ही धी होंगी है दूसरा कोई बाप नहीं होंदा। बोल समझ आई था? मेरी बेटी मेरी है, तुसी सारे जमाने वाले आखो असी बाप हाँ तुसी गैर हो। बाप सिर्फ जिस्मानी बाप हो, जड़ी बीबी आके है मेरे बाप वर्गा है, है मेरे भरा वर्गा है, है मेरे बेटे वर्गा है, है मेरे मामे वर्गा, मेरे चाचे वर्गा है, ऐसी बीबी कुरान की मुनकर है, शरा की मुनकर है, हदीस की मुनकर है, दीन इस्लाम की मुनकर है। रब रसूल तो वड्डी आ गई, जदों रब रसूल कहंदा है कि वो गैर महरम है पर्दे औरत वास्ते, ऐसी बीबी जिहड़ी आके मेरे बाप वर्गा है, है मेरे भरा वर्गा है, कोई गल नहीं कड़ी गल दिल साफ होना चाहिए। इसका मतलब है सजदा कना तू ज्यादा हया वाली है बीबी आई है कि नहीं? रब कुरान च फरमावे सूरा नूर के अंदर, पूरी सूरा नूर के अंदर रब बयान फरमांदा है एक एक बीबी का महरम रिश्ता रब गिनवा गिनवा के दसदा है। महरम है बाप है महरम है बेटा महरम है भरा महरम है नाना है चाचा है।
कौम पता नहीं कितने पहुंच गई, अपने आप बनाए ने। गली का मुंडा मेरे भरा वर्गा, सामने गवांडी मेरा बाप वर्गा है, मेरे नाने वर्गा, मेरे चाचे वर्गा, इंज के मुकाले जो मरे था जगह जगह चीज तो बर्बाद हो गई। इस्लाम ते अमल कर दो दोस्तान ने गिरामी, कदी साड़ियां इज्जत इंज तरींदे गलिया बाजारा के अंदर बर्बाद ना कर दे, इंज नहुस्ता गलिया गलिया के अंदर ना होंदिया अगर अपने इस्लाम से मुसलमान आईदा कायम रहा। दोस्तान ने गिरामी आखिरी गल जनाब नु हाथ बन के फिर कह रहे हैं, मैं आए दिन पिटना आए दिन गल करना, लेकिन मासा यकीन कर ए मैं गलियां दीवारां दे नाल गल करां, ए पिलर दे नाल गल करिए, पखे दे नाल गल करिए, ए तेरे फर्श दे नाल गल करिए, इही बोल पैण के जवाब देंगे। मजा लैके किसी बंदे दे कान ते जूर रिंगदी होवे हाथ बन के आखिरी गल पे मर जाने, हजारा मन मिट्टी कब्र दे अंदर पै जानी, उत्थे किसे काम नहीं आना, काम आने ते रब दा कुरान आने, हुजूर दी शरीयत ने काम आने, कब्र दे अंदर काम आने, मदीने दे ताजदार ने काम आने, औरत दी तालीम सिर्फ रब दा कुरान है, सिर्फ शरीयत रसूल है, कोई इलम नहीं, सब जहालत लानत है, सिर्फ ए पेट दा धंधा है बस। फला जगह ते लग जाएगी, 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 उत्थे पता नहीं पहुंचती कि नहीं, इज्जत पहले बर्बाद हो जाती, तरींदियां दे हाथ जो आई। रब दा कुरान जो फरमांदा है एदा अपना नहीं खैर है, डीएसपी सच कह रहा, वो कहंदा है मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं, की मतलब वो दस रहा सी तालीम बेशक गारा दी पाई है, लेकिन गल सही कर गया, कह रहा सी कि भाई बेटी मेरी ही मेरी बेटी है, दूजे मेरिया बेटियां नहीं। हाथ जोड़ के जनाब नूं अर्ज पे करना दोस्तां निगरामी, मर जाना है, हजारा मन मिट्टी पै जानी है, किसे काम नहीं आना, उत्थे काम मदीने दे ताजदार ने आना वे, हर शै लभ जाती है लेकिन इज्जत गई है दोबारा नहीं मिलती, इज्जत दोबारा नहीं मिलती। अल्लाह ताला तैनु मैनु हुजूर गौसे पाक दे नक्शे कदम ते चलन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा।